तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं मयंक जोशी एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं अनलिमिटेड कॉइन्स WCC2 में विदाउट एनी हैक और मोड APK। तो गाइस, काफ़ी सारे बंदों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था और यूट्यूब के वीडियोज़ में भी कमेंट किया था कि भाई ऐसी वीडियो लाओ जिसमें कि हम अनलिमिटेड कॉइन्स जो होंगे वो खुद अर्न कर सके और उसके बाद हम सारे टूर्नामेंट को अनलॉक कर सके। तो ये वीडियो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं अनलिमिटेड कॉइन्स WCC2 में विदाउट एनी हैक और मोड APK। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको WCC2 और अदर क्रिकेट गेम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को और अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक जिप फाइल की लिंक मिलेगी, उस जिप फाइल को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जेड आर्कर में आकर उसे जहां पर भी आपने उसे सेव कर रखा है वहां पर आपको जाना है। जस्ट लाइक मैंने यहां पर उसको WCC2 के एक फोल्डर में सेव कर रखा है। अब आपको इस जिप फाइल पर क्लिक करना है और इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से यहां पर मैं एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करता हूं और आपको बस एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप देख लीजिए जल्दी से। तो पासवर्ड आपका बिल्कुल सिंपल है, टेस्ट क्रिकेट आपको डाल देना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपकी फाइल जो होगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इस फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको .dat फाइल्स मिलेगी काफ़ी सारी, सारी टीम्स की आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आपकी मनपसंद टीम की चूज़ कर लेनी है। आप चाहे तो सारी टीम की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक टीम की करके दिखाऊँगा अभी। और अगर ऐसा आपका नहीं होता है, यानी कि ये फाइल आपकी शो नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स में और हिडन फाइल्स के ऑप्शन को इनेबल करके कर रखना है ताकि कि ये फाइल आपको शो हो जाए। और अब आपको यहाँ से एक फाइल को कॉपी करना है, जस्ट लाइक कि आप चाहे तो सारी कर सकते हैं, मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। तो बस गाइस, आपको इंडिया की फाइल पर क्लिक करना है, कॉपी पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिवाइस मेमोरी में आना है, एंड्रॉयड में जाना है और डेटा में जाकर यहाँ पर आपको WCC2 के फोल्डर को फाइंड करना है और यहीं पर आपको फाइल्स में जाना है और यहाँ पर इसे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपका रिप्लेस का ऑप्शन मांगेगा तो अप्लाई टू ऑल करके रिप्लेस कर देना है। अब आपको जो है अपना गेम ओपन करना है और टेस्ट मैच में चले जाना है। तो टेस्ट मैच में जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पर मैं टेस्ट मैच को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। और जैसे ही आप टेस्ट मैच में जाएंगे, यहाँ पर आपको न्यू टूर्नामेंट सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से मैं न्यू टूर्नामेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कोई सा भी कुछ भी चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक टीम देखने को मिल जाती है इंडिया की। अब इस टीम का फ़ायदा क्या है? तो भाई, इस टीम का फ़ायदा ये है कि इस टीम में आपको जितने भी प्लेयर दिख रहे हैं उनकी सारी एबिलिटी जो होती है, यानी कि बैटिंग स्किल और बॉलिंग स्किल, वो सारी 100 कर रखी है मैंने। जस्ट लाइक कि विराट कोहली की भी 100 है, सारे प्लेयर्स की आपको 100 मिलेगी। और ये मैंने इसलिए कर रखी है ताकि कि अगर टेस्ट मैच में अगर आप को पता हो तो लॉफ्ट मीटर जो होता है वो बहुत देर से भरता है और उसके बाद आपको लॉफ्ट करने का मौका मिलता है और आप काफ़ी कम स्कोर खड़ा कर पाते हैं, बहुत देर से स्कोर खड़ा कर पाते हैं हम टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर आपका बैटिंग स्किल और बॉलिंग स्किल हाई होगी तो आप जल्दी से विकेट ले पाएंगे और जल्दी से बहुत अच्छी बैटिंग करके बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे और सारे मैच जो होंगे वो जल्दी जल्दी जीत सकेंगे और उससे आपके जो कॉइन्स होंगे वो जल्दी जल्दी इंक्रीज होंगे और आपका आपके पास अनलिमिटेड कॉइन्स हो जाएंगे। और आप यानी कि एक दिन में आप 5 या 6 मैच टेस्ट क्रिकेट के खेल जाएंगे जिससे कि आपको 25,000 या 30,000 तक के पैसे कॉइन्स मिल जाएंगे एक दिन में। और फिर कुछ आप 5-10 दिन अगर आप खेलेंगे लगातार अगर टेस्ट मैच इसी तरह से, तो आप NPL ऑक्शन भी अनलॉक कर सकेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक मैच खेल कर कि कैसे इसकी बैटिंग स्किल जो है, लॉफ्ट मीटर जो है वो 100 है। यहाँ पर मैंने विराट कोहली को चूज़ किया है और अभी आप देख सकते हैं कि इसका लॉफ्ट मीटर जो है वो आपको 100 दिख रहा है, लेकिन मैं पहली बॉल पे ही लॉफ्ट कर सकता हूँ। और ऐसे ही आपके बस यहाँ पर जस्ट लाइक कि मैं ये बॉल बीट हो जाता हूँ तो यहाँ पर इसका लॉफ्ट मीटर जो होगा वो वापस 85 से आ गया। तो अब आप आराम से इसके वापस से 2-3 गेंदे खेल कर इसको वापस से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा गेम प्ले तो उसका नहीं दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों अगर यहां तक आपने गेम प्ले देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप अच्छे से चौके छक्के लगाकर काफ़ी सारे कॉइन्स अर्न कर सकते हैं WCC2 में और काफ़ी विदाउट एनी हैक और मोड। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है
वो WCC2 की एक मेगा हैक की वीडियो होने वाली है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।